पाकिस्तान में एजुकेशन का जो निज़ाम है ना वो बहुत अभी पीछे है। इधर एजुकेशन अच्छी नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं और आप प्राइवेट स्कूल में जाएं तो आपको बहुत डिफरेंस नज़र आएगा उसमें, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर जो हैं वो प्रॉपरली तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे घर के बच्चे वो पढ़ रहे थे गवर्नमेंट स्कूल में, इतनी को बुरी हालत थी कि आप सोच भी नहीं सकते। और उनको अब हमने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया है और अब माशाल्लाह उनकी ग्रोथ भी हुई है और उनकी एजुकेशन भी पहले से बहुत अच्छी हो गई है और उनके नॉलेज में भी इजाफा हुआ। गवर्नमेंट स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा था बच्चों को। फीसिस हैं प्राइवेट स्कूल्स की, लेकिन उसमें यह है कि बच्चों पे तवज्जो दी जाती है। ऑन द अदर हैंड हिंदुस्तान की एजुकेशन में ऐसी क्या चीज है कि ईंट उठाए तो ऐसा बच्चा निकलता है या ऐसा काबिल बंदा निकलता है जिससे दुनिया कहती है कि आओ हमारे कंट्री में और आके हमारी कंट्री को चलाओ? उनकी एजुकेशन, उनको शुरू से ही एक तो इंग्लिश उनकी, उनको स्टार्टिंग से ही बच्चों को एजुकेशन दी जाती है इंग्लिश की भी, एक तो वो। दूसरी उनके एजुकेशन लेवल बहुत बेहतर है यहाँ से। एजुकेशन लेवल हमारा उस अभी लेवल पे नहीं गया, लेकिन ये है कि हम दुआ करते हैं कि हमारा भी जाए, ताकि हमारे भी मुल्क से बच्चे जाएं, हमें भी अच्छा लगे। और अभी जो हालात आए, मैं अभी दुबई में ही काम करता हूँ, जॉब दुबई में करता हूँ, मैं अभी आज ही पाकिस्तान आया हूँ, ठीक है। तो ये हमें वहाँ पे पता, हम लोग वहाँ पे क्या चीजें फेस करते हैं सिर्फ अपनी गवर्नमेंट की वजह से। क्या मतलब क्या फेस करते हैं? अभी आपको पता वहाँ पे क्या निज़ाम चल रहा है, वीजे बंद है पाकिस्तानियों के। क्यों? क्योंकि सऊदीया में 20,000 अफगानी पकड़े गए हैं, ठीक है, और उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ठीक है, और वो वहाँ पे भीख मांग रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, और गलत वीजे लगवा के वहाँ पे रह रहे हैं। और जब दुबई की गवर्नमेंट ने उनसे पूछा कि ये इनका हमें डाटा चाहिए लोगों का, पाकिस्तान में उनके पास डाटा ही नहीं है, उनका कोई डाटा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा सिस्टम में, उसकी वजह से उन्होंने अब इतना रिस्ट्रिक्शन कर दी है कि एक तो अगर आप डिग्री है तो आपकी अटेस्टेड होगी तो आपको जॉब मिलेगी। दुबई ने 24 सिटीज को भी बैन किया पाकिस्तान की, कि इन सिटीज से यहाँ के जो सिटीजन हैं वो नहीं आ सकते, 24 सिटीज है ऑलमोस्ट। सर क्या वजूहत है और क्या आपको, आप वहाँ पे काम करते हैं, आप अभी आए हैं, अगर एक तरफ हिंदुस्तानी और एक तरफ पाकिस्तानी हो, किसको प्रेफरेंस दी जाती है उनकी जानिब से? उनकी तरफ से अभी जो है ना वो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इंडियन है मोस्टली, क्योंकि एक तो उनका एजुकेशन बेटर है, ठीक है, और दूसरा ये जो हमारे मुल्क के जो लोग जाके वहाँ पे मांग रहे हैं, ठीक है। अभी कल मेरे साथ हुआ है। हाँ जी, और वो लेडी है, वो आई है मेरी गाड़ी पे, उसने दरवाजा शीशा नॉक किया और मैंने शीशा जब नीचे किया तो कहती थी हेल्प करें, मैं क्या कहती पैसों से। अभी आप मुझे बताएं उधर क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या हमारा वहाँ पे इमेज है दुबई में या कहीं पे भी? तो इसलिए वीजे इसलिए बैन किए गए हैं। और वहाँ पे लेबर को तो बिल्कुल अब वीजा नहीं दे रहे, उन्होंने कहा कि अगर आप मिडिल पास भी हैं तो आपकी वो मिडिल की डिग्री भी, वो जो है रिजल्ट कार्ड अटेस्टेड होना चाहिए लाजमी, नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी आपको। सर क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी ऐसे जाके वहाँ पे हरकतें करते हैं? कहने को हम कहते हैं कि हम अफजल हैं हिंदुस्तानी कौम से, लेकिन हम ऐसी हरकतें करते हैं कि बायकॉट पाकिस्तान चल जाता है। अब देखिए ना, एक आदमी जाएगा तो लाजमी बताओ उसके एक गलत काम से तो वो इमेज उसकी नहीं खराब हुई, वो इमेज हमारे, हाँ हमारे मुल्क की, हमारे पाकिस्तान की खराब हुई है। वही बता रहा हूँ कि अभी वहाँ पे आप किसी भी कंपनी में जाए आपको 90% इंडियंस मिलेंगे, पाकिस्तानियों की जो तादाद है, जो क्वान्टिटी है वो इतनी कम हो चुकी है, और मैनेजर लेवल पे, डायरेक्टर लेवल्स पे भी, इवन इतनी बड़ी पोस्ट पे भी पाकिस्तानियों को अब लेते ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। कोई आपकी लक है, सीईओज भी तो इंडियन है ऑलमोस्ट, जहां जहां देखें हैं, और उनके मैनेजर डायरेक्टर साहब वहां पे, मैं जिस कंपनी में काम करूं वहां पे सारे टॉप मैनेजमेंट पे इंडियंस है या लोकल है वहाँ के। अब आप मुझे बताएं वहाँ पे पाकिस्तानी कैसे सरवाइव करेंगे? हिंदुस्तानी होंगे आपके साथ ऑलमोस्ट, मतलब आपके फ्रेंडशिप में भी होंगे, क्या उन्होंने कभी आपको रिग्रेट किया है इस चीज से कि भाई आपके मुल्क के हालात तो ऐसे हैं, आपको ये है, आपको वो है? समटाइम्स वो बात करते हैं कि आपके मुल्क में ऐसे हो रहा है, वो भी न्यूज देखते हैं, लेकिन हम कभी बात नहीं करते, वो इतनी डीपली नहीं जाते, क्योंकि वो हमारी एक फ्रेंडशिप है, वहाँ पे हमारे कोलीग्स हैं, हमने इस तरह की कभी आपस में डिस्कशन हमारी होती नहीं है। सोचते क्या है उनको, सब टीवी पे नजर आ रहा है तो उन्होंने हमसे क्या बोला, लेकिन हमारी आपस में कभी डिस्कशन ऐसी नहीं होती, वहाँ पे बहुत फ्रेंडली माहौल है। हाँ, एहतराम है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे की, वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि नहीं करते, हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको वैसी ही इज्जत और वैसा ही रिस्पेक्ट हम भी उनको देते हैं, लेकिन पॉलिटिकली वो कभी भी हमारे से इस तरह की ना हमने कभी बात की है ना वो कभी करते हैं इस तरह, क्योंकि ये बोलिए उनको पता कि जो पॉलिटिक्स का हो रहा है वो भी गाली देते हैं मोदी को। अच्छा जी, किसे, वरना मोदी तो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आपको लगता है टीवी पे नजर आता है कि वो बिल्कुल सही है, लेकिन मोदी को भी वहाँ पे लोग गालियां देते हैं, जो वहाँ पे इवन काम कर रहे हैं अभी दुबई में, वो मोदी को नहीं पसंद करते, तो बोलते हैं जो अंदर के जो हालात है वो आपको नहीं पता ना, वो हर जगह पे ऐसे ही है लेकिन आपको दिखता है। लेकिन देखा जाए उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनकी मैशियत स्ट्रांग है, अभी वहाँ पे एक मार्केट है वेयरमार्ट, यस वेयरमार्ट, अभी कल मैं आने से पहले उसकी खलीज में न्यूज आई है, उन्होंने जो इम्पोर्ट अब जो कर रहे हैं दूसरी कंट्री, वो चाइना से खत्म करके इंडिया से स्टार्ट किया,
अब इधर से अंदाजा लगा ले हमारी कंट्री कहाँ पर है। सही बात है, इस वक्त 5वें नंबर पर है इंडिया की इकोनॉमी, और वो मे भी आने वाले सालों में इंडियन करेंसी में जो है ये इम्पोर्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे। अभी डॉलर से चलते हैं, अब इस लेवल पे उनकी इकोनॉमी आ चुकी है। दुबई ने, हाँ दुबई ने आई थिंक सो के पाइपलाइन भी, वो अंडर वाटर ट्रेन भी मुंबई से करवाई गई इंडिया के साथ, और उनके प्रोजेक्ट भी हमारे साथ, ईरान की जो था उन्होंने प्लेंटी डाल दी, हमने उनके प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं किया। के साथ एक और प्रोजेक्ट भी उनका स्टार्ट हो रहा है दुबई का, वो मुझे अभी ज़हन से निकल गया किस तरह था, वो भी मैंने कल न्यूज़ पढ़ी है, वो भी इंडिया के साथ अभी स्टार्ट हो रहा है। पाकिस्तान के पास आई, ये सिर्फ यहाँ से सिर्फ जाते हैं मांगने के लिए, बस और कुछ भी नहीं है। अच्छा, बच्चे की तरफ आते हैं, बेटा मुझे बताओ, बाबा से तो मैंने बात कर ली है, क्या पढ़ते हो आप अपनी बुक्स के अंदर, किसी कंट्री के बारे में कभी किसी टीचर ने बताया है, अमेरिका का या फिर इंडिया का या फिर चाइना का, कभी बात हुई है? जी, चाइना के बारे में क्या जानते हो? चाइना के बारे में तो इतना नहीं पढ़ा, मगर इंडिया के बारे में पढ़ा कि उनका एक सैटेलाइट गया था, आर्यभट्ट फर्स्ट सैटेलाइट था, और कामयाब भी हुआ था वो। हाँ, चंद्रयान 3 जी, मून पे जो गया। नहीं नहीं, उससे पहले भी एक गया था आर्यभट्ट, वो भी कामयाब हुआ था। वो किस पे गया था? वो मून पे या सन मिशन जो हुआ अभी? वो मेरा ख्याल से मून पे ही गया था। हाँ हाँ, मून मिशन जो हुआ उनका, वो कामयाब हुआ। वैसे आपको पता है इंडिया कैसा मुल्क है? जी, कैसा मुल्क है? सही, अच्छा मुल्क, अच्छा मुल्क है। अच्छा, और इसके अलावा कुछ जानते हो किसके बारे में? हाँ, क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के बारे में जानते हो? जी, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर ज्यादा अच्छे हैं, वेल प्लेयर्ड हैं, अच्छा खेलते हैं, या फिर हिंदुस्तानी प्लेयर ज्यादा अच्छा खेलते हैं? बॉलिंग हमारी अच्छी है, बैटिंग उनकी अच्छी है। अब तो इस बार बॉलिंग भी हमारी अच्छी नहीं रही वो फिर वो अंदर के मामले। अच्छा, मुझे बताओ हिंदुस्तानी प्लेयर में से कौन सा अच्छा लगता है आपको? विराट कोहली। क्यों, क्या वजह है वो अच्छा लगता है? उसकी बैटिंग बड़ी अच्छी है। और आपको पता है इस बार उसने 50 सेंचुरीज कर ली। जी, और हमारे पाकिस्तानी प्लेयर में कौन अच्छा लगता है? बाबर आजम अशरफ। क्यों? क्यों? क्योंकि आज तक जितने भी बैट्समैन है सबसे बेस्ट बाबर आजम ही है। नहीं, असल में पहली बात यह है कि काबिलियत तो पाकिस्तान में भी बहुत है, लेकिन अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया मेरा ख्याल हमारे से काफी आगे है। उनके जो अंबानी हैं वो भी मेरा ख्याल है शायद 100 अरब डॉलर के जो हैं वो मालिक हैं। ठीक है, तो दूसरा ये है कि उनका तालीमी मैार भी मेरा ख्याल है हमारे से कुछ बेहतर है। हमारे यहाँ जो है वो तालीम पे इतना फोकस ऐसा लगता है कि नहीं किया जाता, उसकी वजह ये है कि गुर्बत बहुत है। ठीक है, अब लोग वो बच्चों को काम पे भेज देते हैं, अब वो घर चलाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे, इसकी मुझे समझ नहीं लगती। आपके ही जवाब के मुताबिक हमारा पाकिस्तान का जर्नलिस्ट है जो कि हिंदुस्तान विजिट करके आया था, वो एक बात कहता है, ये सुनिएगा जरा, तलीम के बारे में वो कहता है। तो मैंने एक स्ट्रक्चर देखा, हिंदी मुझे पढ़ने नहीं आती, पेंट हुआ था अच्छा सा, मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं यहाँ तो हमारे बच्चे पढ़ते। बाटवा एंड बगसरा नाउ हैव अ यूथ लिटरेसी रेट अप्रोचिंग 90%। 3,000 लोगों का गाँव है, वहाँ अभी भी लोग काव डंग जला के खाना बनाते हैं, लेकिन स्कूल जो थी ना वो आपको दिखता था कि स्कूल जबरदस्त है। मतलब देखे ना कि वो तालीम पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं वो, और खास तौर पे उनकी जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश तो जबरदस्त होती है। सही बात है। सर, क्या वजूहत है कि हमने आज तक एजुकेशन पर प्रमोट ही नहीं किया, एजुकेशन को हमने उस तरह से सीरियस ही नहीं लिया? क्यों, क्या एजुकेशन जरूरी नहीं है, क्या स्किल जरूरी नहीं है? एजुकेशन के बगैर गुजारा ही नहीं है। क्यों नहीं हम प्रमोट करते? मैंने आपको अर्ज किया है कि एक तो माशी मामला है, माशी मामला तो हम कहते हैं ना, अभी हुए हैं 72-76 साल। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, उनको हमें जो है बहुत बेहतर करना चाहिए, उस पर गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट करती भी है। कई परवेज लाई साहब आए थे और अभी नकवी साहब भी काफी इस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन इस पर खास तवज्जो देनी चाहिए कि जो बच्चे, मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो स्कूल से बाहर है बच्चों की, तो उनको जो है स्कूल में आना चाहिए और तालीमी मैार बेहतर होना चाहिए। यही वजह है कि आज तालीम नहीं है, जिसकी वजह से आज बड़े बड़े ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए गेट आउट पाकिस्तानी या फिर गेट आउट मुस्लिम्स का ट्रेंड चलता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री मिलती है, कि यही वजह है? नहीं, मेरा ख्याल है ये वजह नहीं है। इसमें ऐसा है कि देखें, अब हम लोग जो हैं और जैसी कोई गवर्नमेंट बनती है हम IMF की तरफ भागते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी जो है वो इकोनॉमी जो है उसको बेहतर करना है, हमें खुद मुख्तार बनना चाहिए एज अ मतलब नेशन जो है, हमें इसका साथ देना चाहिए, गवर्नमेंट का भी साथ देना चाहिए, ताकि हम अपने पैरों में खड़ा हों और किसी के आगे हमें हाथ ना फैलाने पड़े। ऑन द अदर हैंड इंडिया ने किस तरह स्टेबिलिटी लेके आए हैं, क्योंकि टाइम पीरियड हम दोनों ममालिक का सेम है, लेकिन उनकी ग्रोथ हमसे 4 टाइम्स आगे है, क्यों?
मेरा ख्याल है कि असल में देखें शायद ईमानदारी थोड़ी सी हमारे से ज्यादा हो वहाँ, शायद वाली बात है। क्योंकि आप वो वाली स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मतलब हमारे से ज्यादा ईमानदारी है, मतलब हम कहते हैं देखिए बहुत जरूरी है। हाँ। देखें हाँ, यहाँ भी है लेकिन समझ नहीं लगती कि मतलब हम मतलब डे बाय डे जो है वो हमारा ग्राफ जो है हम नीचे क्यों जाता है। हम एक देखें एक अच्छी नेशन है और मजबूत हुकूमत बने, काफी अरसे से जो है मुश्किलात चल रही हैं, एक मजबूत हुकूमत बने और फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान भी बेहतर होगा। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मैम वो बेसिकली प्रमोट करते हैं, हमारे यहाँ पे प्रमोट का सीन नहीं है, यहाँ पे कोई प्रमोट नहीं करता, ये इशू है। क्या हमें बच्चों में उस तरह का टैलेंट है, लेट्स सपोज कि हमारा 8 साल का बच्चा है, ये 8 साल का बच्चा था, क्या हमारा 8 साल का बच्चा बीट कर सकता है हिंदुस्तान के 8 साल के बच्चे? बिल्कुल ऑफ कोर्स कर सकते हैं। आप श्योर हैं? जी बिल्कुल श्योर। किस लिहाज से कर सकता है बीट? बेसिकली टैलेंट तो हर जगह में होता है लेकिन टैलेंट को बाहर निकालना पड़ता है, तो टैलेंट निकालने के लिए वहाँ पे लोग जैसा करते हैं यहाँ पे भी करें तो हो सकता है। क्यों नहीं किया जाता हमारे? ये तो बस होता भी है, हमारे यहाँ लड़के काफी ऊपर गए भी हैं, ये नहीं कि नहीं। सर कोई एक सीईओ बता दे दुनिया में या कोई एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बता दे जो आज तक हमारा हिस्ट्री यहाँ पे खाने के लिए आए हुए, आपको पता ही है उनका अपना मिशन यही है कि अपने पॉकेट भरनी है और अपने ये सीन है। क्या वजुहत है इंडिया हमारे साथ ही हम उससे अलग हुए, एक ही दिन पे हमारी आजादी हुई, लेकिन आज 76 इयर्स में वो इतना ऊपर चला गया, आज दुबई और शेख लोग जो हैं वो उसकी कामयाबी को सराह रहे हैं, उनके बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, क्या ऐसी क्वालिटी इंडिया में? इंडिया में नहीं, यहाँ पे भी है, ऐसा कोई नहीं है। सर फिर हमें सराहा क्यों नहीं जाता? अगर हमारे में इतनी ही टैलेंट है, इतनी क्वालिटी है तो हमें सराहा क्यों नहीं जाता? हमारे लिए तो टर्की में, हमारे लिए तो सऊदीया में, हमारे लिए तो दुबई में गेट आउट पाकिस्तानियों के ट्रेंड चले हैं। दुबई ने 24 सिटीज को बैन किया, सऊदी ने कहा भिखारियों अपने मुल्क में रहो, टर्की ने मुस्लिम कंट्री बता रही हूँ, अभी नॉन मुस्लिम नहीं बता रही, टर्की ने गेट आउट पाकिस्तानियों का ट्रेंड चलाया। सर क्यों? अगर हमें इतनी क्वालिटी है तो हमें क्यों निकाला जाता है दूसरे ममालिक से? आपके पास जवाब है? नहीं। क्यों नहीं है? रीजन पता क्या है, जिस तरह वो कह रहे हैं हमारे टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता, रीजन ये है कि हमारे जो बच्चे हैं ये जो वो बुक दिखा रहे हैं ना, वो जस्ट ये जो बुक दिखा रहे हैं, बात ये कि हमारी वो लैंग्वेज नहीं है, इंडियन है। इंडियन जैसे बच्चों को यहाँ पे चाइनीज बच्चे कोर्सेज करते हैं, इंडिया के हमारे कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे मेरा ये भाई पास खड़े हुए थे, इनका सारा भाई चाइना गया हुआ, चाइनीज यहाँ से लैंग्वेज सीख के वहाँ पे उनके पास काम कर रहा है, तो रीजन ये है कि हमारे जो लेवल पे काम कर रहा है, छोटे लेवल पर, सीईओ लेवल पर, बड़े सीईओ लेवल पे काम अच्छा। कर रहा है, हाँ जी, वो यहाँ से उसको स्कॉलरशिप पे ले गए हैं अच्छा। तो ये भी इस तरह से बाय रोड गए हैं और बाई एयर भी नहीं गया, वहाँ पे उन्होंने वो बॉर्डर ओपन किया, वो वहाँ से वो क्रॉसिंग करके गए हैं। तो रीजन यही है कि बस हमारे वहाँ पे लोगों को नहीं ये देखा जाता टैलेंट, हमारे बच्चों में बड़ा बड़ा टैलेंट है, ये जिसके नाम से ये अरफा टावर बना हुआ है वो बच्ची में बहुत टैलेंट था, उसने वो विंडो सेवन क्या किया था, उसके टैलेंट को कितना प्रमोट किया था कि दुनिया उसे सराहती, वो तो मर गई जी, मर गई, बट यही है ना कि उसके टैलेंट को प्रमोट नहीं किया गया। वो अब्दुल कलाम को, अब्दुल सलाम को कितना प्रमोट किया था, वो भी मर गए, बस यही रीजन है हमारा। पता है एपीजे अब्दुल सबसे बैकेट पे जा रहा है, वहाँ पे इंडिया में जो निजाम है ना वहाँ पे चीजें बहुत लेस है, हमारे यहाँ पे महंगाई जो है ना उसने ही लोगों को बहुत ज्यादा दबाव में रखा हुआ है, यही बस रीजन है। और हमें एजुकेशन, क्या हिंदुस्तान की एजुकेशन जैसी मिल रही है? उनसे ज्यादा बेटर मिल रही है अच्छा। बट ये है कि बाकी उनके बच्चे जो है ना वो हमारे से ज्यादा टैलेंट जा रहे हैं, वो इस लिहाज से कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत आम है, यहाँ पे एक बच्चे ने कोई महंगा सेल भी लेना है तो वो भी इंडिया में तो आपको बहुत सस्ता मिल जाता है, यहाँ पे वो चीजें बहुत ज्यादा महंगी है, बच्चों को वो मिलती नहीं है, जो बहुत अमीर लोग घरानों के तलक रखते हैं बच्चे उनके पास वो चीजें मौजूद है, बस यही रीजन है। क्या हमारे बच्चे, मैंने इनसे भी सवाल किया था, क्या हमारे बच्चे या हमारा पूरा पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में या इस तरह के आईटी सेक्टर में हिंदुस्तान को बीट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकता है, बच्चे बड़े बड़े टैलेंट भी ट्रेंटेड करेगा, 76 साल तो गुजरेंगे ये देखें ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कब करते हैं। एटम बम बनाया था, उसके साथ क्या हुआ आपको पता है? कह रही हूं अब्दुल कदीर के साथ क्या हुआ, क्या हुआ? हम अभी तक उनको छुड़वा नहीं सके, तो वहीं पे वो ये सीन है हमारे यहाँ, इंडिया को जिसने एटमी ताकत बनाया था उसके साथ हम लोग इत्तेजाज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक खुद को वो करते हैं, लेकिन आगे पावर वाला हुकूमत का काम है, हुकूमत कुछ नहीं करती, तो हम क्या कर सकते हैं? इंडिया को जिसने एटमी ताकत बनाया उसके साथ क्या किया था उन्होंने? इंडिया के साथ इसका तो भी आइडिया नहीं है मुझे, उनको प्रेसिडेंट बना दिया था उस टाइम में, यहाँ पे भी है तो सही लेकिन ओवरऑल हमारी हुकूमत नहीं कुछ करती। अब्दुल सलाम कहाँ गए, बाहर चले गए थे? अब्दुल डॉक्टर अब्दुल कदीर जिन्होंने हमें एडमिट ताकत बनाया उनके साथ क्या किया था? नजरबंद कर दिया, वो बेचारे दम घुट के
मर गए तो हमारे और उनमें डिफरेंस देखे, उन्होंने उन्होंने उसको प्रमोट करने के लिए प्रेसिडेंट बनाया कि वो उसको दुनिया में इंडिया की ताकत बन सकता है, उसको लीड कर सकता है इंडिया को, और हमने क्या किया, फर्क तो है ना। बेसिकली हम तो आपके पास यंग जनरेशन है, हम तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये काम करते हैं, हम तो वो कर लेते हैं, लेकिन आगे ओवरऑल जो हमारे ऊपर ऊपर लेवल सीईओ वगैरह है वो कुछ नहीं करते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले पाकिस्तान से बाहर जाने की अच्छी जॉब की तो चले जाओगे? वैसे बेसिकली दिल तो नहीं करता बाहर जाने के लिए, अपना मुल्क अपना ही होता है, बाहर जाकर पता क्या डिफिकल्टीज होती है, क्या मुश्किल होती है आपको पता ही है, लेकिन ओवरऑल अगर लोग अगर जाते भी है तो सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए जाते हैं, अदरवाइज किसी का बाहर जाने का मकसद नहीं था, किसी का भी दिल नहीं करता पैसों के लिए, हर कोई कर रहा है इस टाइम ऐसे ही बिल्कुल। क्या कहने लगे आप? बाकी यही कह रहा हूँ मैं कि वहाँ पे बाहर बड़ी लाइफ ना डिफिकल्ट हो जाती है, ये होना कोई बंदा कोई अच्छे पोस्ट पे गया हुआ तो है, लेकिन वहाँ पे बाहर आपको पता है वहाँ पर जो लेबर है पाकिस्तान से अगर एक लेबर जाती है ना, एक बंदा जाता है, उसको भी तकरीबन महीने का राउंड अबाउट 4-5 लाख मिल जाता है, पाकिस्तानी बता रही हूँ। तो हमें तो पाकिस्तान में एक लालब कंट्री कौन सी है तो पता है, वो इंडिया है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी ज्यादा है हमसे। और किस चीज में डेवलप है वो? और वैसे भी ओवरऑल रैंकिंग में हमसे आगे जा रहा है हर चीज में, स्पोर्ट्स में, आर्मी में। अच्छा, इसलिए आर्मी में भी? आर्मी बिल्कुल यही है। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगी हूँ, ये वीडियो सुनना आप। हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हिंदुस्तान जाते हैं। बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, पान वाले के पास क्यूआर कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं, आप स्कैन। कचोरी बंद लोग खा रहे थे वहां, मैं देख रहा हूँ यार कचोरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजेक्शन वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे उसके अंदर। फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया, कितना आया कितना नहीं आया। उसने कहा ये दैट एक्चुअली इज एन इशू, सो व्हाट द फिनटेक्स हैव स्टार्टेड डूइंग इज गिविंग स्मार्ट स्पीकर्स दैट आर कनेक्टेड टू द मर्चेंट्स वॉलेट, तो अनाउंस करता है स्पीकर। बस यही है कि उनका एक एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह का है कि प्रैक्टिकलिटी ज्यादा है, ठीक है, आईटी में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं इसी वजह से। क्या यहाँ पे एजुकेशन नहीं है? एजुकेशन है यहाँ पे, लेकिन जो है ना कि बच्चों को जो प्रैक्टिकल स्किल्स उनकी कमी है। अगर ये चीजें अप्लाई की जाए तो फिर पाकिस्तान एक भी आगे जा सकता है। मैं खुद एक टीचर हूँ, लैंग्वेज टीचर हूँ इंग्लिश का, तो मैं सोचता हूँ कि जो मतलब कि क्लास में ना जिस तरह लैंग्वेज को प्रैक्टिकल बनाया जाए उसकी बहुत कमी है। ऐसी चीजों को बस याद करवाया जा रहा है, यानी कि बच्चों को ना ऐसे नहीं सिखाया जा रहा कि वो नॉलेज को आगे अप्लाई करना सीखें। आपकी क्लास में 20% बच्चे होंगे, 20% बच्चों में से कितने बच्चों को इंग्लिश सही बोलनी आती होगी? 20% बच्चों में से कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं होता कि जो मैट्रिक लेवल पे इंग्लिश बोल सके फ्लुएंटली। वहाँ के भिखारी, वहाँ के रेड़ी वाले भी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, क्यों? बस वही एक तो उसकी मेन वजह यह है कि ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, जो इंडियंस है वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, उनको पता है कि उनके मुल्क में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। दूसरी बात ये है कि फिर उनका एजुकेशन सिस्टम थोड़ा उनके लिए फ्लेक्सिबल, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी है, लेकिन बहुत सारे काम इंग्लिश इंग्लिश में हो रहे हैं आजकल। ऑफिस में जो ज्यादा वर्क है, यानी कि कोई कंप्यूटर पे वर्क हो रहा है वो इंग्लिश में है, इसके अलावा कोई और पेपर्स है वो इंग्लिश में होते हैं। उन्होंने लैंग्वेज बैरियर नहीं रखे, हमारे में लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा, अगर किसी को उर्दू आती है तो इंग्लिश नहीं आती, किसी को इंग्लिश आती है तो उर्दू नहीं आती, और किसी को पश्तो आती है तो उर्दू नहीं आती, लैंग्वेज बैरियर्स बहुत ज्यादा। उधर सबको इंग्लिश लाजमी आती है या हिंदी लाजमी आती है? बस ऐसा ही कि वो मतलब कि पार्टीशन से पहले ही जो हिंदू थे वो तभी इंग्लिश की तरफ जाने लग गए थे, जो मुसलमानों को थोड़े एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से उनको लगता था कि इंग्लिश एक गैर मजहबी जबान है, इसलिए वो उसको ठीक नहीं समझते थे। ये तब से ही है कि आज वो हमसे इंग्लिश में ज्यादा आगे। अब मुसलमानों को इजराइल की या किसी और की टेक्नोलॉजी यूज करते हुए नहीं नजर आता कि ये भी गलत है, अभी टेक्नोलॉजी बड़े अच्छे से यूज की जा रही है ना? उसी बात को मैं कर रहा हूँ, मतलब कि बाकी चीजें इस्तेमाल करें, लेकिन जब बात आए लैंग्वेज की फिर इनको मजहब याद आ जाता है। सही बात है। क्या वजूहत है और क्या लगता है कि उनमें नेशनलिज्म ज्यादा है या फिर उनकी गवर्नमेंट अच्छी है? देखें, ये पहले अगर देखा जाए तो उनकी मैं कहूँगा कि जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हमने उनकी हिस्ट्री को देखे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे को हटाया है, ठीक है, जबकि हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे नहीं कर सका, तो हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहाँ कितनी अनस्टेबल है। तो बाकी देखें कि अवाम में से ही पॉलिटिशियंस निकलते हैं, अब जैसे पाकिस्तान की अवाम होगी ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, इंडिया की अवाम अच्छी है उनके पॉलिटिशियंस भी अच्छे निकल आते हैं। बहुत बड़ी बात कर दी आपने कि इंडिया की आवाम भी अच्छी है और वहाँ के पॉलिटिशियन भी अच्छे हैं। बिल्कुल, मैं अच्छी बातें करता हूँ। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान की कौम जो है वो बड़ी अफजल कौम है, इससे ज्यादा अफजल कौम तो है ही नहीं।
नहीं देखें ये गलत बात है, कहाँ हमें डिसेंसी बहुत कम है, ऐसे ही मतलब कि हमारे मैनर्स ऐसे नहीं है कि जो हम ना एक उनकी सफ में खड़े हो सके, जैसे कि जो सिविलाइजेशन बाकी मुल्कों में है, ठीक है वो बहुत से ऐसे कंट्रीज है वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन उनके अंदर ऑनेस्टी हमसे ज्यादा है। हमारे लिए इस्लाम सिर्फ टोपी और नमाज की हद तक है, जबकि दूसरे भाइयों का ख्याल रखना, ईमानदारी, सच्चाई, ये चीजों को अहमियत बहुत कम दी जा रही है। क्या सही कह रहे हैं, हिंदुस्तान हमसे आगे कैसे चला गया? हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, और उनके जो पर्सन है वो अपना टाइम वेस्ट करना बहुत ज्यादा नामुनासिब समझते हैं। हम लोग पर्सन अपने जो है वो लग्जरीज में पड़े हुए हैं। क्या कह रही हैं? मैं खा रोटी मंगने है, खान वास्ते रोटी देंदा ही कोई नहीं, रोटी नहीं देता, खर्चा नहीं कोई देंदा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कमाने वाला तो छड़ के चला गया है। अच्छा, गवर्नमेंट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही? नहीं दे रहे, गरीब दी तरस भी कोई नहीं कर रही है। तो कोई काम कर लो। की काम करा, बड़े काम है, काम क्यों नहीं है, काम तो भी है। लाभ दियो काम बेटा, कोई घर में काम कर ले। हाँ तो कोई कर लाभ दियो, मैं कर ये यहाँ पर बैगर्स का हाल देख ले, मांगने के लिए पूरा टोला है पीछे मेरे हाल से, पूरी फैमिली। हमारी कौम को ये खुददारी की इनमें बड़ी कमी है। देखें अब इनको औरतों को चाहिए कोई ऐसी स्किल्स सीखे ताकि ये घरों में काम कर सकती हैं, बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट हो जाए। और मैं समझूंगा कि ऊपर लेवल पे भी ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा औरतों के लिए कि उनको ऐसी प्रैक्टिकल स्किल्स सिखा के उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए। पीछे रेडी है एक, इसके पास अगर हम इसे जैस कैश की बात करें, इजी पैसे की बात करें, इसको नहीं पता होगा, और अगर इसके पास होगा भी तो हमें नंबर लेना पड़ेगा, बाद में हमें ट्रांसफर करके इसे पूछना पड़ेगा। तो मैं मैसेज आ गया, फिर जाके हमारा पक्का होगा कि भाई हाँ आप पैसे आ गए, हम जा सकते हैं। क्या वजूहत है कि हिंदुस्तान में इतनी डेवलपमेंट है कि पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, साथ पड़ा हुआ है उसके साथ खड़ी जो कि इसकी, मतलब मेरे ख्याल में तो काफ़ी सारी वजूहत हैं पाकिस्तान के अंदर। मतलब जैसे हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल गैप है, मतलब पाकिस्तान अभी भी हम अगर देखा जाए तो दुनिया से हम 40 साल पीछे चल रहे हैं, और लाहौर को देखा जाए तो लाहौर हमारे देहाती एरिया से ज़्यादा 5 से 10 साल आगे होगा। तो मतलब आवाम के अंदर अवेयरनेस नहीं है सबसे पहले, और दूसरी बात आवाम समझती है कि ये जो चीज़ें हैं ये फ्रॉड हैं, और मतलब हमारे जो पैसे हैं वो वापस नहीं आते। मतलब बीच में जैज़ कैश ने दरमियान में था इनका कि वो 30 मिनट का वो गैप आता था, तो इस वजह से काफ़ी सारी लोगों की उस वक्त भी फ्रॉड के चक्कर में ट्रांजैक्शंस जो थी वो कैंसिल हुई। ये सारी चीज़ें आवाम को जो है वो डराती हैं, और इस तरह ये आम रेडी वाले और सारे मतलब इवन के बड़ी बड़ी शॉप्स पर भी हम जाते हैं, हम स्टूडेंट एज आ कि आप हमसे कैश हम कैरी नहीं करते, हमें बड़ी मतलब वो मिसमैनेजमेंट फील होती है। दोनों में हमारा नुकसान है, पैसे ना हो तो कहीं पे वो मिलता नहीं है, क्यूआर स्कैनर नहीं मिलता, और अगर पैसे हो तो चोर नहीं छोड़ते। ऐसे ही है, बिल्कुल ये हकीकत है ये बात। अच्छा ये आपकी रेडी है? हमारी रेडी है। क्यूआर स्कैनर का पता है? नहीं। ये देख लो, ये डर की वजह से नहीं रखे। क्यों डर क्या है? ये लोग फ्रॉड करते हैं, किसको जिसके से आधे घंटे बाद आते हैं आगे वापस करते हैं, इसलिए नहीं रखते। देखें आपके प्रिस्पेक्शन कैसी बनी हुई है पाकिस्तानियों की, कि उन्हें डर भी है कि मुसलमान ही हमसे धोखा कर जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। क्या वजूहत है? वो तरक्की करके डेवलप करके उनके अंदर इतना डिजिटल है, उनके भिखारी आपको पता है उधर भीख भी मांग रहा होगा तो क्यूआर स्कैनर लगा होगा कि हमें इस पे भीख दे दो। मैं पिछले दिनों वही एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे वो बंदे ने मतलब मैं उधर की थी, हिंदुस्तान की थी, उसने बाइक में हवा भरवाई है और उसने 10 रुपए बने हैं, उसने वो भी क्यूआर कोड के जरिए स्कैन करके दिए हैं उसके पास। मतलब वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं वो लोग, और वो लोग टेक्नोलॉजिकल गैप को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला एरा ही जो है वो डिजिटल करेंसी का है, क्रिप्टो करेंसी, और ये सारी चीज़ें इसी से मैच करती हैं। मतलब जो हमारी फिजिकल करेंसी है या हैंडमेड करेंसी है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो हमें एज अ पाकिस्तानी नेशन और हमारे जो जितने भी ये इदारे हैं, मतलब जैज कैश हो गया या जितने बैंक्स भी हैं, उनको भी क्यूआर कोड की तरफ आना चाहिए। बड़े बड़े मॉल्स में भी इस चीज़ का गैप नजर आता है। बिल्कुल मॉल्स में भी नहीं होता, एटीएम कार्ड यूज करना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल। मुझे बताइएगा, एक आखिरी सवाल है आपसे, आप स्टूडेंट हो, आपको क्या फैसिलिटीज मिली है स्टूडेंट बिहाफ पे? नहीं अभी तक तो मुझे तो ऐसी कोई फैसिलिटी मतलब नजर भी नहीं आई, ना मिली है हमें कि जो हमें स्पेशल डिस्काउंट हो एज अ स्टूडेंट के तौर पर मिला हो या कुछ भी, हमें तो कुछ भी नहीं मिला अभी तक। मतलब कि इवन के अभी या तो मैं कभी कभी सोचता था कि यार अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमसे भी ये देखें 20 रुपए चार्ज करते हैं। मतलब अगर हम पैसे दिलवाने जाए, हमारे माँ बाप हमें भेजते हैं, मतलब आउट ऑफ सिटी से आए हुए हैं, तो ये चीज़ें हमें बड़ा गैप नजर आता है कि हमें भी उन चीज़ों के चार्जेस देने पड़ते हैं। चलो बिजनेसमैन तो दे के भाई वो टैक्स भी दे कर रहा है और वो सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन हम लोग मतलब एज ए इंडिविजुअल एक स्टूडेंट तो हमें ये चीज़ें नजर आती हैं। पता है वहाँ पे बसेस है ना, तो लड़कियों की बसेस फ्री है कि लड़की कोई पैसा नहीं देगी, इवन के वहाँ पर स्टूडेंट्स को स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है हर एक चीज में। पाकिस्तान में वही ना, मतलब देखा जाए तो एज अ नेशन और एज अ मतलब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इन चीज़ों की तरफ आते नहीं है कि हमारे अंदर जो टेक्नोलॉजिकल गैप है उसको हम मिटिगेट करें, उसको मतलब आगे जाके हम टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन की तरफ आए। हमारे अंदर इनोवेशन भी आती है तो वो भी
वो चीजों में उन चीजों में आती है जिनकी हमें जरूरत नहीं होती कि मतलब बाइक के नीचे खोता रेडी को खत्म कर दिया और इस चीजों को मतलब वो हमारी इनोवेशन भी जो है वो इन्हीं चीजों पे चलती है। क्या हम पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों का मुकाबला कर सकते हैं? अगर हम मतलब देखा जाए एज अ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन और इन चीजों के बिहाफ पे तो मैं तो समझता हूँ कि नहीं जी। अभी तक हम पाकिस्तान में डिजिटली इतना एडवांस नहीं हुए, लेकिन हमें डिजिटली इतना एडवांस होना चाहिए। अभी भी हमारे यहाँ जो है वो पेमेंट्स जो है ना मोस्टली कैश में ली जाती हैं। सिर्फ कुछ बड़े स्टोर्स पे या कुछ बड़ी जगहों पे ही हम कार्ड यूज कर सकते हैं या मतलब कि हम जैज कैश या इजी पैसा के कोड स्कैन करके या यू पैसा के कोड स्कैन करके तो हम जो है पेमेंट कर सकते हैं। इजी पैसा जैज कैश भी हम उससे नंबर लेके उसको पहले वेरीफाई करना है कि उसको मैसेज आ गया, फिर हम वहां से जा सकते हैं। अभी यहाँ पे आपने जर्नलिस्ट की बात सुनी होगी कि उसने कहा कि यार जाते जा रहे तुम्हें किसी से पूछ भी नहीं रहे कि तुम्हें पैसे आ गए। वो कहता है कि मेरा स्पीकर लगा हुआ है, डिजिटल स्पीकर है जिससे सारा कुछ पता चल जाए कि 200 आ गए, 250 आ गए, 500 आ गए, 600 आ गए। सर देखें उनकी टेक्नोलॉजी फार से फार होती जा रही है। जी बिल्कुल, अगर हम कंपैरिजन करें उनके साथ तो हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। हम तो सिर्फ बातों में उनको हराने के लिए लगे हुए हैं। फिजिकली तो हम देखें तो हम टेक्नोलॉजी और लिटरेसी के हिसाब से उन लोगों से बहुत पीछे हैं। इसमें कुछ तो हम जो है ना मतलब कि आप कह लें कि कुछ तो हमारी जो नेशन है उसको लेक ऑफ नॉलेज है और इतना ज़्यादा वो मतलब कि अवेयरनेस नहीं है उनमें, लिटरेट नहीं है लोग। दूसरा जो है वो हमारे जो कुछ हमारे जो है इंस्टीट्यूट्स हैं ठीक है वो इन पे काम नहीं करते। हमारी गवर्नमेंट्स हैं ठीक है और हमारे कुछ इदारे हैं वो तो सिर्फ पैसा बनाने के लिए यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान में, लोगों को सहूलियात देने के लिए नहीं आते, लोगों को लिटरेट करने के लिए नहीं आते ठीक है। 33% से लेके हमारी जो पास रेशो है वो 33% है, तो 33% से लेके 100% तक वाले लोगों के लिए गवर्नमेंट को जो है ना इंस्टीट्यूट्स में सीट्स देनी चाहिए, उनको फैसिलिटीज देनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड हम इंडिया की गवर्नमेंट की बात करें ना सर, उसका भाई ना बहन ना माँ ना बाप आगे पीछे कोई नहीं, ना बीवी ना बच्चे कोई भी नहीं। ऐसा बंदा गवर्नमेंट में बैठा हुआ है और उसकी एक राय थी जब वो आया गवर्नमेंट में तो उसने अपना कदम जमाया या फिर जो भी हम कह सकते हैं, उसने कहा कि ये भारत डिजिटल भारत बनेगा, ये भारत डिजिटल भारत बन के दिखाएगा। और सर देखें टूट नहीं और में आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। देखें उनकी इकोनॉमी जो है वो इस टाइम 600 बिलियन डॉलर से प्लस पे स्टैंड कर रही है और हम पिछले